हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फेंडर CD60 SE का। सो मैंने इसका पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है साउंड चेक का। सो अगर आपको वो देखना है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, और नहीं तो मैं इस वीडियो के बाद में इसको लगा दूँगा। सो मैं इसे 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया इसमें, सही चल रहा है। और अगर आपको इसे परचेस करना है सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। सो गिटार का जो टॉप है ये आपका सॉलिड स्प्रूस टॉप है, और फ्रंट है ये नेचुरल कलर है, वैसे ये गिटार नेचुरल है। और आपको साइड में मिलता है महोगनी, ये महोगनी, और बैक में मिलता है महोगनी, ठीक है, और नेक में भी आपको महोगनी का मिलता है। ये गिटार हमें ग्लॉस फिनिश का मिलता है, हर जगह से ग्लॉसी फिनिश है। सो इसमें हमें मिलता है फिशमैन का पिकअप, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है। सो इसमें हमें 3 EQ बैंड मिलता है, बेस, वॉल्यूम, ट्रेवल और ट्यूनर, जैसे ट्यूनर ये है। और इसमें लो इंडिकेटर का बैटरी भी मिलता है, जैसे कि मतलब अगर बैटरी ख़त्म हो गया तो आप इसे यहाँ से देख सकते हो। सो इसमें हमें मिलता है TRS केबल का जैक ऑप्शन, ठीक है, इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही में बैटरी का कंपार्टमेंट मिलता है, जो कि इसमें ये वाला बैटरी आता है, 9 वॉट का बैटरी। और आप इसमें बेल्ट को माउंट भी कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है एक, और इधर भी दिया हुआ है। और इसका जो फ्रेटबोर्ड है वो रोज़वुड का है, और ब्रिज भी रोज़वुड का है। साइड में हमें मिलता है पिक गार्ड, और इसका ब्रेसिंग जो है वो एक्स ब्रेसिंग है, जिससे कि साउंड और अच्छी तरह गूंजता है इसका। और बाकी इसका जो इनलेस है वो डॉट है, डॉट्स है, जैसे आप देख सकते हो। और इसमें जो फ्रेट्स है ये आपका 20 फ्रेट्स है। इसमें जो फ्रेटबोर्ड है ये है रोल्ड फिंगरबोर्ड एजेस, जैसे कि आप कोई भी प्ले करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मतलब स्मूथली प्ले कर पाओगे आप। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है ये राउंडेड है, सो जैसे प्ले करोगे ना तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा कि प्ले करने के टाइम। और इसका जो स्केल लेंथ है वो है 25.3 इंच, और नट का जो वेट है ये है 43 mm। और इसमें आपको मिलता है डुअल ट्रस्ट रॉड। सो इसमें जो स्ट्रिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब फेंडर 12 गेज का स्ट्रिंग देता है, इससे क्या होता है कि साउंड का जो क्वालिटी है अच्छा आता है, मतलब बेस साउंड बहुत अच्छा आता है। और अभी इसमें आते हैं इसका ट्यूनिंग कीज में। सो इसमें जो ट्यूनिंग कीज़ है वो है डाईकास्ट ट्यूनिंग कीज। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब मॉइस्चर नहीं आएगा, और मतलब ट्यूनिंग करने के टाइम ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता। और ये है इसका फ्रंट लुक गिटार का, और इसमें आपको मिलता है डॉट्स।
सो कैसा लगा आपको फेंडर CD60 का रिव्यू एंड साउंड चेक, सो कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।